इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं और पिप से मॉड्यूल कैसे डाउनलोड करते हैं, और समटाइम जब पिप रिकॉग्नाइज नहीं करता तो उस एरर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है। इसके लिए हम पाइथन की वेबसाइट पे जाएंगे टू इंस्टॉल पाइथन, जिसका नाम है python.org। तो क्लिक करेंगे, पाइथन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ ये लेटेस्ट वर्जन होगा जिसपे हम डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देंगे। अब स्टार्ट डाउनलोडिंग हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद हम उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा इंस्टॉलिंग के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमें एड पाइथन 3.8 टू पाथ इस पर चेक करना होगा, क्योंकि इस पर हम चेक नहीं करेंगे तो समटाइम क्या है पिप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता इसकी वजह से भी, तो और वो एरर आ जाती है। तो इसलिए हम इस एरर को सॉल्व करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे और हम कस्टमाइज इंस्टॉलिंग की बजाय हम इंस्टॉल नाउ कर देंगे। इससे हमारे मतलब जो फाइल का पूरा सेटअप है वो पहले ही से कहीं हो जाएगा। और कस्टमाइज में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब में तो कुछ छेड़ना नहीं है। यहाँ जाके हमें इसमें मतलब आपको अपनी कोई भी मतलब जो आप कौन सी फाइल में सेव करना चाहते हो वहां जाके आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे फिर इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम पिप से मॉड्यूल कैसे डाउनलोड करते हैं। चलो उससे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे पिप जो हमारे पीसी में प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं हो पाता, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए हम क्या जाएंगे, कई बार क्या होता है जो उसकी पैकेजिंग होती है वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम उसको ही रीइंस्टॉल कर देंगे। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, पिप ये इंस्टॉलर डॉट ओ आर जी पे जाएंगे। जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ इंस्टॉलेशन है, इस पर क्लिक करेंगे और गेट पिप पे जाएंगे। गेट पिप पे पूरा इसका डेटा आएगा, इसे हम पूरा सेव कर लेंगे। तो ये हमारी सेव हो जाएगी। इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा। तो अब हमने सेव कर लिया इसे। अब जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे जो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि मैं डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे कि हाँ स्टार्ट हो गई है, तो ये आपका जो पूरा मतलब पिप है वो आपका डाउनलोड कर देगा। आप देख सकते हैं जैसे कि स्टार्ट हो गई उसकी डाउनलोडिंग, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है वो वहां में मिल जाएगा और वहां से हम यहाँ डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल था। तो ये देखिए सबसे पहले उसने वर्जन को पहले अनइंस्टॉल करा और फिर लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर दिया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पिप से हम मॉड्यूल कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, अब कमांड प्रॉम्प्ट पे एक बार हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा पिप प्रॉपर वे से डाउनलोड है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी आई पी पिप लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जब एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें जो इसका पूरा मतलब एक तरीके से बायोडाटा समझ ले वो पूरा इसमें लिखा जाएगा। और यदि कहीं पे भी एरर आती है, मतलब आपके इंस्टॉलिंग में प्रॉब्लम है या पिप में कोई दिक्कत है, ये प्रॉपर तरीके से इसका पाथ वेरीफाइड नहीं है, तो यहाँ एरर आ जाएगी, तो वो हमें सॉल्व करनी होगी। इसके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वहाँ जाके आप वापस रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इजी मेथड है रीइंस्टॉलिंग का। और भी मेथड होते हैं, फाइल में इंटरनल जाके पाथ ही चेंज कर दो तो रिकॉग्नाइज कर देता है। अब देखिए मेरे में कोई एरर नहीं थी, तो बिल्कुल क्लीन हमारे में सब कुछ लिखा आ गया है।
अब कोई भी मॉड्यूल पैकेज डाउनलोड करने के लिए सबसे सिंपल होता है, हमें लिखना होता है पिप इंस्टॉल और फिर पैकेज का नाम, मतलब मॉड्यूल का नाम, जैसे पाइथन पांडा हो गया। और इसकी खास बात क्या है ना, जो हमें और दूसरे पैकेजेस इसके साथ चाहिए होते हैं वो हमारे डाउनलोड हो जाते हैं। मेरे पहले से डाउनलोड थे तो सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड। जैसे पांडा से पहले हमारे में पीसी में, मतलब पाइथन में नंपाई होना कंपलसरी है, तो जब हम डायरेक्ट पांडा डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा ना नंपाई भी डाउनलोड कर देगा, क्योंकि नंपाई की नीड पड़ती है पाइथन में, सॉरी पांडाज में, इसलिए। तो अब ये तो था हमारा कि कैसे हम डाउनलोड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा डाउनलोड हो गया है, क्या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वर्क देखने के लिए हम अपना क्या खोलेंगे, पाइथन शेल खोलेंगे, आईडी शेल जिसे हम कह सकते हैं, पाइथन आईडी शेल खोलेंगे। अब देखिए शेल में हम क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट पांडाज एस पीडी ये लिख देंगे और इस पे एंटर प्रेस कर देंगे। यदि ये मॉड्यूल डाउनलोड हो चुका होगा प्रॉपरली तो यहाँ कोई एरर शो नहीं करेगा और ये जो थ्री एरोज हैं ये नीचे भी आ जाएंगे। एरर आएगी तो यदि हम गलत लिखते हैं स्पेलिंग में, जैसे हम यहाँ कुछ गलत लिख दे, ठीक है, तो ये देखिए कुछ गलत लिखने पे यहाँ एरर आ जाते हैं, या मॉड्यूल डाउनलोड नहीं होगा तो भी एरर शो करेगा। और जो ये मैंने एसपीडी लिखा है, हम इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना रहने दें, मतलब खाली हम ये भी लिख सकते हैं इम्पोर्ट तब भी कोई एरर शो नहीं हुआ। इससे हमें पता चला कि हमारा मॉड्यूल डाउनलोड हो गया है। तो मतलब मॉड्यूल डाउनलोड करना बिल्कुल सिंपल है, हमें पिप इंस्टॉल फिर मॉड्यूल का नेम। तो इस वीडियो में इतना ही।